हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव होंगे और बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। आपको बता देती हूँ कि मैं अपने शॉर्ट्स वीडियोस में प्रेजेंट थी, बाकी मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे इस वजह से, क्योंकि मेरी डिलीवरी हुई थी, तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, इसके वजह से मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाने बंद कर दिए थे। बट अब मैं फिर से आपको प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कम से कम हफ्ते में 2 वीडियोस तो ज़रूर डाल के दूँगी। तो मेरा चैनल बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? पार्लर से। तो यहाँ पर मैं होम रेमेडीज़ भी, जब मैं पार्लर में थी और मतलब मैं अपने पार्लर्स के कस्टमर्स को, उनको सारे केमिकल वाले ट्रीटमेंट के ही सारे चीज़ें नहीं बताती हूँ मैं, उनको होम रेमेडीज़ भी बताती हूँ जिनसे उनको स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है या हेयर की जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनकी सॉल्व हो जाती है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको ऐसी ही एक होम रेमेडी के बारे में जो आपके नेक के ऊपर है, या फिर डार्क अंडर आर्म्स हो या डार्क एल्बो हो। तो क्या होता है कि अगर आपके ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, ये सारी परेशानियाँ हैं आपको, तो आपकी खूबसूरती में थोड़ी सी मतलब बोलते हैं ना कि रुकावट आ जाती है। आपकी खूबसूरती जो 4 चांद लगी हुई होती है वो डार्क नेक और एल्बो या अंडर आर्म्स, आप स्लीवलेस पहन रहे हैं तो अंडर आर्म्स भी दिखता है, तो वो गंदा दिखता है। तो यहाँ पे एक सिंपल सी होम रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये होम रेमेडी आप ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है, बट आपको सबसे पहले करना क्या है, जब आप नहाते हैं ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके जो आपका डार्क एरिया है उसको अच्छे से आपको डेली क्लीन करना चाहिए, चाहे वो कोई भी दिन हो। अगर आप डेली क्लीन करते हैं तो सबसे पहली बात कि डार्क होने की नौबत ही नहीं आती है। फिर भी ड्यू टू सम रीजंस, जैसे हम मेडिसिंस ले रहे हैं या प्रेग्नेंट हैं या बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये डार्कनेस आ जाती है, तो आप उसके लिए ये होम रेमेडी है, आप ये ज़रूर ट्राई करें। और आपको कैसा इफेक्ट आता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक गीला टावल लेना है, गर्म पानी में उसको गीला कर लेना है, और उसके बाद उसको जिस एरिया को आपको क्लीन करना है उस एरिया पे आपको उसको अच्छे से लगाना है। वहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए उसको उस एरिया पे रखना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, जितना आप सहन कर सकें उतना ही गर्म आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 मिनट बाद उसको हटा के, 10 मिनट के बाद उसको आपको हटाना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको ये रेमेडी ट्राई करनी है। रेमेडी में क्या लेना है, आपको बहुत सी घरेलू चीज़ें हैं जो घर में आपको आसानी से मिल जाएंगी, अगर नहीं है आपके घर में तो किराना शॉप में आराम से मिल जाएंगी। लेना क्या है, आपको हाफ लेमन लेना है या हाफ से कम भी ले सकते हैं, और उसके अंदर आपको लेना है थोड़ी सी बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, वो लेना है आपको 1 स्पून, और उसको आपको एक साथ मिक्स करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ऊपर दिखा रही हूँ आपको, या फिर आगे वीडियो में आपको मैं दिखा रही हूँ आपको करके। तो आपको इस तरीके से दोनों को मिक्स करना है एक बाउल में, और उसके बाद आपको अपने अफेक्टेड एरिया पे लेमन की हेल्प, पहले लेमन का निचोड़ लेना है, उसके बाद आपको उसकी हेल्प से पूरे आपके नेक, अंडर आर्म या जो एरिया भी आपका डार्क है वहाँ पर आपको लगा लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 5 से 10 मिनट के लिए रब करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है आपको, रब करना है, बहुत अच्छी तरीके से रब करते रहना, ताकि जो भी मैल बैठी हो, गंदगी बैठी हो, वो निकले। जब आप गर्म टावल से उसको सेकेंगे ना, तो वो क्या होता है कि फूल जाता है, वो आपकी डार्कनेस जो होती है ना वो ऊपर आ जाती है, उभर के आ जाती है। और उसके बाद फिर जब आप ये रेमेडी ट्राई करते हैं तो उससे क्या होती है कि वो आसानी से आपकी निकल जाएगी। और उसके बाद आपको 10 मिनट फिर उसको ऐसे छोड़ देना है, मतलब आपको ये पूरी काम में कम से कम 20 मिनट का टाइम इस काम को आपको देना है। आप अपने काम कर करके, घर के हाउसवाइफ है या कोई भी है, आपको फ्री टाइम में 20 मिनट अपने लिए निकालना है, और फिर आपको ये रेमेडी ट्राई करनी है। अब आपको 20 मिनट के बाद इसको कोई कॉटन क्लोथ से, या फिर आप मॉर्निंग में कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो, मॉर्निंग में कर रहे हैं तो आप नहा लें, उसके बाद जैसे ही आपकी ये हो जाती है पूरी प्रोग्रेस, उसके बाद आप जाके नहा सकते हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से वो वॉश होके निकल जाएगा। हफ्ते में 3 बार ये रेमेडी आप ज़रूर ट्राई करें, 100% गारंटी आपकी डार्कनेस जो भी है वो निकल जाएगी। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे बने रहे, मैं हर चीज़ की शॉर्ट्स वीडियो भी डालती हूँ। अगर आप लॉन्ग वीडियोस देखना नहीं पसंद करते हैं तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिए, और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड
आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए रिसेंटली मेरे 1055 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आप लोग का, इतना ज़्यादा प्यार मुझे इतनी जल्दी मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। सॉरी मैं हमेशा एब्सेंट रहती हूँ मीन्स बड़े वीडियोस बनाने के लिए, तो मैं आपके लिए अभी बहुत जल्द होम रेमेडीज़ के साथ साथ में आपको पार्लर के वर्क वाले वीडियोस भी मैं आपके ऊपर डालने आपके लिए डालते जाऊंगी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू।